नमस्कार, आप देख रहे हो आप ही का चैनल यूट्यूब रतनगढ़ धार्मिक राज। मैं रतन वर्मा। देखो, मेरा कार्य जो ये है इस धार्मिक जो चैनल का कार्यक्रम कार्य ये रहता है कि मैं हमेशा आपको धार्मिक कार्यक्रम के दर्शन आपको करवाता रहूं। तो आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं वो स्थान है शीतला धोरा, यानी शीतला माता का रतनगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं इसको। बहुत ही शानदार मंदिर है। वहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अपार यहाँ भक्तों की जो भीड़ लगी हुई आप देख सकते हो। और आगे मैं मंदिर के दर्शन आपको बाद में करवाऊँगा, पहले आपको मैं यहाँ के भीड़ के दर्शन करवा दूँ। और ये शीतला माता का मंदिर है जहाँ अपार भीड़ लगी हुई है। थोड़ी देर बाद में आपको नज़दीक से शीतला माता के मैं दर्शन भी करवाऊँगा। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रथम उद्देश्य रहता है कि मैं आपको जो घर बैठ के जो गृहणियाँ यहाँ मंदिर में नहीं आ सकती उनको यहाँ घर बैठ कर के माता जी के दर्शन हो। और ये हमारे रतनगढ़ जो है वो एक कहते हैं कि बहुत ही धार्मिक नगरी है। हिंदुस्तान में जितने भी शहर या डिस्ट्रिक्ट के ज़िले हैं उनको भी हमारे रतनगढ़ के बारे में इतना ध्यान होना चाहिए कि शीतला अष्टमी के दिन यहाँ कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ रहती है और किस प्रकार से धार्मिक जो भक्त है यहाँ शीतला माता के यहाँ आज के दिन पूजा पाठ यहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। वो थोड़ी बहुत हम जानकारी ये भी लेंगे कि शीतला माता का जो आज का जो ये अष्टमी है क्यों मनाई जाती है, किसी भक्त से हम जानकारी जरूर लेंगे। तो आगे चलते हैं, भक्तों से जानकारी लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको लास्ट के अंदर मैं आपको यहाँ जो शीतला माता का मंदिर है उस मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। तो अभी हम जानकारी लेते हैं किसी एक ऐसी गृहिणी से जानकारी लेते हैं कि भी शीतला माता का आज का जो ये जो पूजा पाठ की जाती है क्यों की जाती है और आज के दिन ये शीतला माता क्यों धोखी जाती है। तो जानकारी लेते हैं, चलते हैं हम किसी एक भक्त के पास में। आज के दिन ये शीतला माता क्यों धोखते हैं आपको पता थोड़ा सा? बस बड़का से धोखता है जी, मैं धोखा जानकारी अष्टमी के सप्तमी की वजह से। बस सप्तमी यही वास्ते धोखा। अच्छा, आज अष्टमी है? सप्तमी है, सप्तमी आज। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि होली के कितने दिन बाद में त्यौहार मनाया जाता है? ये सात दिन बाद। सात दिन बाद। और आज आपने क्या क्या बनाया? बनाए तो बाजरे की रोटी, राबड़ी, बिरयानी, जोया चावल, पूड़ी, सांगरी की सब्जी, सब माता जी को भोग लगाओ। हाँ, क्या नाम आपका? शांति देवी। चलो जी, शांति देवी जी ने हमारे को बता दिया कि देखो हमारा बडगज का यानी बुजुर्ग जो घर के बुजुर्ग थे वो जैसे मनाते थे आज हम मनाते हैं। और भी जानकारी लेंगे, देखो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, हम किसी एक भक्त से और जानकारी लेंगे। देखो, देखते हैं कोई ऐसा भक्त मिले हमारे को जो बता सकता हो। हाँ जी, थे बता सको जी आज के दिन क्यों मनावा? आज के दिन क्यों मनावा? हाँ जी, क्यों भाई? आप ओड़का दहन करी बिना ठंडी करना शीतला माता ने जावा आप। अच्छा, आज के दिन मतलब क्या है कि शीतला माता ने पूजने से क्या फायदो मिला पाने? शीतला कभी ठंडी ठेर माता का बच्चा का ओदरी बोदरी नहीं निकले बच्चा गए और एक खातर चेचक वगैरह। देखो बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बताई कि आज के दिन ठंडा खाने से माता जी क्या कहते हैं बोदरी वगैरह नहीं निकलती, जो बीमारी जो होती है चेचक वगैरह नहीं होता। और ही भक्तों से जानकारी लेंगे भी इस माता जी का मूल स्थान कौन सा है, किसी एक भक्त से पूछते हैं। आपको पता बेटा माता जी का मूल स्थान कौन सा है, पता आपको? माता जी का मूल स्थान नहीं पता। आप बता सकते हो कि माता जी मूल स्थान कौन सा है? गांव का नाम बता सकते हो कोई? माता जी मूल गांव का नाम स्थान कौन सा? जयपुर, चाकसू। जयपुर, चाकसू। तो इन्होंने बताया जी चाकसू है, लेकिन चाकसू तो शायद मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। मैं आपको अंत के अंदर जरूर बताऊंगा कि माता जी का जो मेन स्थान जो है वो कौन सा स्थान, आपको जरूर बताऊंगा आपको मैं। और भी जो भक्त खड़े हैं उनसे जानकारी। भाई साहब नमस्कार जी, आप देखो आप आए हो तो हर साल आते हो आप? हर साल आते हैं। तो आप बता सकते हो जी आज के दिन ये माता जी का त्यौहार क्यों मनाते हैं, बता सकते हो? देखो, अपने सनातन धर्म के अनुसार जो होली के सातवें दिन ऐसा माहौल ग्रह नक्षत्र बनते हैं, इस दिन अगर ठंडा बनाते हैं और अगले दिन खाते हैं ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, कई बीमारियों को रोकता है। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम लोकेश शर्मा है, लोकेश शर्मा। तो लोकेश जी शर्मा जी ने हमारे को बताया कि आज दिन ठंडा खाने से कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और भी मैं आपको देखो भीड़ के आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ माता जी का दरबार आप देख सकते हो जहाँ भीड़ लगी हुई है। और मैं जैसे जैसे भक्त मिलेंगे आपसे जानकारी लेंगे और आज ये भी जानकारी लेंगे भी आज सप्तमी के दिन ही ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, जानकारी लेते हैं। देखते हैं कोई ऐसा भक्त हमारे को मिले। देखो और भी भक्त आ रहे हैं। हाँ, देखते हैं अभी। देखो एक बुजुर्ग महिला यहाँ खड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हाँ दादी जी, प्रणाम करो थाने, नमस्कार है दादी जी। आज के दिन वो त्यौहार आप क्यों मनावा शीतला अष्टमी को, बता सको भाई? हम शीतला माता ठंडी ठेड़ी रहने खाते है। अच्छा, अच्छा। और क्या अच्छा। महाराज गए जना मनावा। और आते बता सको जी विशेष जो को मूल की जाति ने आज के दिन वरदान मिले जो पूजा पाठ करे?
तो भाई तो मन ध्यान को नहीं, मैं बताऊंगा थाना जी। और देखो भाई और खड़े भाई पूजा करी आए थे तो आज के दिन थोड़ा सा। अच्छा भाई क्या मैं कर बताऊं जी, कोई बात नहीं, कोई ध्यान है थाना जी आज के, मतलब अब मूल ये कौन सी जाति के लिए विशेष महावरदान दियो कि भाई जाति को मतलब पूजा पाठ कर सके, बता सको आप भाई? मैं तो आप बताओ जी आज शीतला माता की विशेष विशेष पूजा को जो है कुमार विशेष पूजा को जो स्थान जो मिले कि नहीं मिले? कुमार नहीं मिला, प्रजापत ने। तो आज के दिन जी आप शीतला माता जी धोख लगाई थी, की बनायो घर के अंदर बता सको? हाँ भाई मेन चीज ना ये सीरे की होवे और चावल की, राबड़ी की और जहाँ दाल की पूड़ी। स्थान कौन सो और रतनगढ़ शीतला माता को? शीतला माता। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो ए, बता दियो जी दीदी आपने बहुत बढ़िया बात एकदम उत्तर बहुत सही दियो है कि विशेष जी पूजा को जो स्थान जो मिलो है वो मिलो है कुम्हार जाति ने, यानी कुम्हार जी की जाति है वहाँ के लिए विशेष मतलब क्या माँ कृपा करे हैं और पूजा को जो मेन जो कार्य करे जो संभाले वह कुम्हार जाति ही संभाले जी। और जय श्री राम जी। तो अभी रतनगढ़ के अंदर आप देख सको कि बहुत ही भयंकर खतरनाक रूप से भीड़ लगी है और इतने थे देख सको कि देखो इधर पीपल देवता है जी के गणगौर वगैरह पूजा शायद उनके लिए शायद कुछ देख सको आप पीपल देवता ने या पूजा पाठ करी जाओ। देखो आप सामने देख सको आप ये मैं आपने दिखाऊँ और देखो जी पीपल देवता के अंदर पर जाकर पूजा पाठ करने ला रहे हैं तो जानकारी लेवाऊंगा पीपल के ना के करे जी थोड़ा चला जी अभी आप। देखो जी आंटी जी आपने सागया ने जान कर लो जी पीपल पर थे मतलब के पूजा पाठ के की करो के कहानी तो बताया थोड़ी मैं शीतला माता की कहानी सुना पीपल को ऊपर पीपल देव। हां पीपल को ऊपर आप बता सको जी आप थे पूजा पाठ करो के कहानी को सुनाओ के करो। हां कहानी सुनाते हैं क्या की सुनाते हैं? शीतला माता की कहानी सुनाते हैं। अच्छा पीपल पीपल अठ। हां पीपल की। भाई साहब राम राम जी आप कट से आए हो? रतनगढ़ से ही है। अच्छा हर साल धोक लगाते हैं? हां साल धोक लगाते हैं। के नाम आपको? पवन नाम है। पवन जी और कोई आज के कहना चाहोगा? देखो अपना रतनगढ़ के लिए शीतला माता बहुत बड़े स्थान है बता सको आप? देखो अपना प्राचीन मंदिर है। अच्छा। काफी वर्षा से और सभी धूमधाम से शीतला माता त्यौहार मनावा है और घर में भी उत्साह है। अच्छा। और आपने मार्केट में पूरे गांव का माने एकदम उत्साह सुख शांति। आप के कष्ट हो? भार्गव जाति में हूँ और आई चाहू मैं शीतला माता से बताऊंगा मैं थाना बताऊंगा कि माता जी को पैतृक गांव जो है वो कौन सो माने गए कौन सो के नाम है वो भी मैं थाना बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीच से पहला मैं थाना बताऊं मैं थाना पूरे भीड़ का दर्शन कराना चाहूं कि रतनगढ़ के अंदर ई शीतला दौरा पर कितनी ज़्यादा अड़े भीड़ रहे और शीतला माता का दर्शन भी थाना कराऊँगा। तो मैं थाना बताई दूँ सस्पेंस को रखूँ कि सील की डूंगरी को गांव को नाम है जठ मतलब के विशेष माता जी की पूजा और वो स्थान माता जी को विशेष जो स्थान है माने गए और आज के अब आपा दरबार के अंदर हाँ और शीतला माता का मैं थाना निकट से दर्शन कराने की कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा अड़े भीड़ है। मैं भी प्रार्थना करके मंदिर के अंदर प्रवेश करी हूँ। ठीक है अब आप देख सको कि बहुत ही शानदार अठे माँ को मंदिर है और मैं मंदिर का मैं बिल्कुल निकट से मैं आपने दर्शन कराने की कोशिश करूँगा ताकि वह भक्त जगह अठे रतनगढ़ के अंदर शीतला माता का दरबार में जगह नहीं पहुँच सके हैं वह घर बैठ के माता जी का शीतला माता का दर्शन कर सके। देखो मेरा प्रथम उद्देश्य कह रहे हुए कि मैं जगह घर बैठ के जिसका भी भक्त है वह शीतला माता की पूजा कर सके और अठे दर्शन कर सके मेरा प्रथम उद्देश्य वही रहेगा जी। और आप थोड़ सी बतानी चाहूँगा एक बात कि भी यहाँ कई ईसा है ब्राह्मण है और भी गुजर जाती है कई जाति है जगह की भी आकुल की देवी मानी जावे है और विशेष पूजा को जो स्थान मिले वो मिले कुमार जाति ने मिल है तो और माता जी को जो जन्म भी किया है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को माँ को जन्मदिन मनाया गया बताया गया है कृष्ण पक्ष की चैत की कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी ने माँ को जन्मदिन बताया गया। देखो अब मैं देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है परंतु फिर भी मैं कोशिश करूँ कि मैं थाना माँ का दर्शन कराऊँ दर्शन थोड़ा करावा। देखो भक्त माता जी अब भोग लगा रहे हैं और आप दर्शन देखो दर्शन कर सको दूर से माँ का दर्शन करो आप। देखो आप माँ का दर्शन करो देखो तो आगे चल के और भी दर्शन आप कराने की कोशिश करना थोड़ा आगे चल।
लो जी, अब थे बिल्कुल निकट से माँ का दर्शन कर लो आप। मैं आपका बिल्कुल निकट से माँ का दर्शन करवा रहा हूँ शीतला माता का। जय शीतला माता आपकी जोर। एक बार फिर मैं भीड़ का दर्शन अटक करवा दूँ, कितनी भीड़ तरनगढ़ के अंदर हो रही है। अध्यक्ष को जी फुल भीड़ रतनगढ़ के अंदर एकदम बहुत ही हजारों की संख्या तो कौन कह सको, लेकिन सैकड़ों की संख्या के अंदर भीड़ है। ठीक है, अब एक फेरी लगा लिया और दर्शन मैं करवा दिया। अब आपा दूसरी जगह शीतला माता है ठहके जगह अशोक स्तंभ में बांगा दर्शन करवाऊंगा। जय हो। हाँ लगो, हाँ सी ढक लो, कोई बात को नहीं। हाँ देखो ए दीदी है जिका अभी देखो तिलक वगैरह कर रहे हैं, वो भी अठे मतलब अपने संस्कार है हिंदू समाज के अंदर। देखो क्या पूजा पाठ करने के बाद में दीवार पर देखो रोली से और मेहंदी से तिलक करे। हाँ हाँ ठीक है जी, चलो ठीक है भाई। हाँ अच्छा अच्छा जी, अब फेरी रतनगढ़ धार्मिक। हाँ लो बता जी, आप फेरी से बाहर निकला तो आप देख सको किसी भी ना जी मतलब कि एक हाथ में थाल लेकर के प्रसाद लेकर माँ के भोग के लिए खड़ी है। आप देख सको, देखो आप तो आज का मैं थाने शीतला माता दर्शन कराया इन अभी देख सको। हैं जय हो। और मैं दूर से माता जी के मंदिर का दर्शन करवा दूँ, मंदिर दूर से क्या दिखाई दे वो भी थे देख लो। हाँ देखो जी आटा सब लोग पानी डलवा हुआ है, वो भी दृश्य मतान देखा हूँ ला रही हूँ देखो। हाँ हाँ भाई साहब, देखो आप 10 रुपया 20 रुपया जी रेड कर रखे और पानी डलवा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी।